तो दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन है। आज हम पहुंच गए वहां जहां प्रोग्राम कुतुब विहार में, जो नंदनगढ़ के अंदर है। और आज आने के बाद एक खास खास यहां मेहमान जो है इंद्रारिया, पन्नूदा और भी बहुत से कलाकार शगुन है जो यहां पर आने वाले हैं। मैं आपके बीच में आया हूं और यहां कैप्चर करने वाला हूं। काफी चीज आपको देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों बने रहे हमारे चैनल पर, कभी नए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्यार दें यार। मतलब छोटा भाई आपका सपोर्ट मांगता है, तो आपको एक चैनल सपोर्ट वो है यूके पहाड़ी ब्लॉग। तो मिलते हैं, अभी चार आप लोग वहाँ शूट करेंगे और बहुत से यूट्यूबर्स हमारे बीच में आ रहे हैं और उनसे भी लोगों से बातें करेंगे। और अच्छा लगता है इस प्रकार से आपने जो कार्यक्रम बनाया है, इस बार काफ़ी घूम बना लिया है। तो मिलते हैं इसमें, चलते ज़्यादा बात करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पब्लिक आती जा रही है, आती जा रही है। प्रोग्राम धीमे धीमे करके चालू होने वाला है। यहाँ पर आपको रूम करा रहे सब लोग, यहाँ पर भारी संख्या में पहुँच रही है। चलते हैं, सबसे पहले दिखाते हैं यहाँ के खान पीन को, जो यहाँ का खाना पीना है और किस प्रकार से क्या क्या चीजें यहाँ पर मिलने वाले हैं, उससे रूबरू कराते हैं और दिखाते हैं किस प्रकार से यहाँ पर क्या क्या चीज मिलने वाली है, उनसे बातें करते हैं। तो दोस्तों हम पहुंच गए यहाँ पर, जहाँ मिल रहा है पूरा नाना प्रकार का आइटम, सारा सामान। और इनसे दिल्ली से बात करते हैं किस प्रकार का यहाँ आइटम है, क्या क्या है, और चलते अंदर जाके पता करते हैं और हमें क्या क्या यहाँ पर मिलने वाला है और क्या क्या देने वाले हैं सभी पब्लिक को। और नमस्कार, जरा बिजी हैं आप क्या अभी यहाँ पर? फोन पे बिजी है, यहाँ पर सारी चीज़ इन्होंने रखी हुई है। काफ़ी ट्रेडिशनल आपको टोपी मिलानी है उत्तराखंड की, आप यहाँ पर ले सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि अगर थोड़ा समय है तो उनसे बातें करूँगा किस प्रकार से क्या क्या आइटम यहाँ पर मिलने वाला है, क्या क्या चीज़ आपको देने वाले हैं आज यहाँ पर। और आइए इधर से भाई साहब, एक मिनट आएंगे अगर आप। जय श्री राम। देखो जी हमारे बीच में भी एक भाई साहब आए हैं। भाई साहब पहले ये बताइए किस नाम से आपका, ये बताइए। ये हमारा नेचर टू कार्ड के नाम से शॉप है हमारी। अच्छा जी, श्याम बिहार 25 फुटा में, ऑनलाइन भी ऑल इंडिया के सर्विस है हमारी ऑनलाइन। हमें तो अभी क्या क्या आप सेल कर रहे हैं, क्या क्या दे रहे हैं? हम उत्तराखंड का अनाज है, टोटली ऑर्गेनिक अनाज। अच्छा, पब्लिक अगर टोपी लेना चाहे तो उत्तराखंड की किस प्राइस में आप ये दे रहे हैं इसे बताइए ना। ये हमारे 150 से 200 तक की हमारे पास टोपी है। अच्छा, 150 से 200 के बीच में टोपी है। भैया एक मिनट साइड में, तो 150 से 200 के बीच में ये है चीजें। और भी आपको यहाँ देखने को मिल रही है क्या चीज़? ये नथ बताएंगे कहाँ की नथ, ये कहाँ की नथ है बताइए? उत्तराखंड टेढ़ी नथ है। तो उत्तराखंड की टेढ़ी नथ आपको यहाँ देखने को मिल रही है, बहुत बेहतरीन तरीके से ये दे रही है। इसका प्राइस क्या है बता सकते हैं आप? इसके भी अलग अलग प्राइस है, 200 से लेकर 300 350 तक है। अच्छा, तो आपको 150, 200, 300, 450 तक आपको मिल सकती है। साथ में बहुत ही चीज़ें हैं यहाँ पर देखने को, नई नई चीज़ें एक्टिविटी मिल रही है। तो ये क्या चीज़ है साहब? ये इसको जरा दिखाएंगे, दिखाएंगे। तो आपको बहुत चीज़ें देखने को मिल रही है यहाँ पर, बहुत बेहतरीन चीज़ें यहाँ पर अपडेटेड है। और ये एक क्या कहते हैं सर, गिन्नी, तो एक गिन्नी, ये सिक्कों से जो गिन्नी कहते हैं उससे अच्छी से बनी हुई है, बहुत सुंदर ये हार है, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको नजर आ रहा है। तो आप इसका क्या प्राइस अपडेट कर रहे हैं? इसका प्राइस 300 रुपये। अच्छा, 300 रुपये में ये दे रहे हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से ये अपडेट है, इतना सुंदर बेहतरीन है, थोड़ा तरह कर दिए और ये बहुत बेहतरीन चीज़ें दे रहे हैं। और इसका 300 रुपये प्राइस है, ये गोल्ड का लग रहा है, लग रहा है कि हम सोने की चीज़ ले रहे हैं। और भी क्या चीज़ें दिखाएंगे हम, अपडेट करेंगे? मंगलसूत्र है पहाड़ी, ये मंगलसूत्र पहाड़ी आपको मिल रहा है, इसका भी क्या प्राइस दे रहे हैं ये बताइए? ये 400 रुपये का है। ये कहाँ का है ये बताइए सबसे पहले? उत्तराखंड, हमारे उत्तराखंड का है, पौड़ी कुमाऊँ का आपको यहाँ मिल रहा है, बहुत बेहतरीन। और भी चीज़ है जो हाथ के, मैंने सुना आजकल लोग बहुत ज़्यादा पहनते हैं, पौची। ये पौची मिल रही है आपको यहाँ पर, कुमाऊँ की, कुमाऊँ में पहले आप तो सारे जगह पहन रहे हैं, पहले कुमाऊँ में पहनते थे। अच्छा, इसे ज़्यादातर लोग यूज करते हैं, हमारी जो महिलाएं इसे ज़्यादा यूज करती है, बहुत पसंदीदा चीज़ है ये ऐसा लगता है कि पहाड़ों का चीज़ है यहाँ पर लाकर, ये सोने का बिल्कुल भैया ना पहन के कोई डरने की बात भी नहीं है। और इसका प्राइस क्या बताया आपने? इसका 400 रुपये प्राइस है, 400 रुपये में आपको मिल रही है पौधड़ी। ठीक है, थैंक यू सो मच भैया, आपका बहुत धन्यवाद। और इन भैया की दुकान से आप सामान ले सकते हैं, सारी परचेज कर सकते हैं। और नाना चीज़ आपको दिखाने को मिल रहा है यहाँ, टोपी से रंग बिरंगी टोपी से नेचुरल टू कार्ड करके इनका शॉप है, तो यहाँ से आप ये ले सकते हैं, सारा सामान ले सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भैया, थैंक यू सो मच आपका। तो जुड़े रहे हमारे साथ और चलते हैं और बात करते हैं लोगों से किस प्रकार से क्या क्या होने वाला है। दोस्तों किस प्रकार से यहाँ पर सारे सामान सामान यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिस प्रकार से आपको यहाँ पर एक एक चीज जैसे महिलाएं वो लेती हुई नजर आ रही है पर। और यहाँ भी जो है पिज्जा ऐसा खाने को मिलेगा, उस अभी चलते हैं, बहुत से लोगों से बातें करते हैं, चलते हैं अभी बीच में अभी किस प्रकार से यहाँ कार्यक्रम हो रहा है। और आप ज्वेलरी दे सकते हैं, जय देवभूमि करके है उत्तराखंड का, काफ़ी बेहतरीन तरीके से। मैं चाहता हूँ कि आपको दिखाऊँ किस प्रकार से है। तो पहाड़ी घरात की पीनी है, खाना खाना है तो पहाड़ी घरात का खाना है, अगर कोई खीर खानी है तो पहाड़ी घरात ही खानी है। और शादी ब्याह में आप जरूर इनको एक बार मौका दे सेवा का, पंजाबी मद्रासी सारे आपने खाने खाए, एक बार पहाड़ी घरात को मौका दीजिए और आपको जब खुश ना कर देंगे
तब बोला पानी गिलास वाले बोलते हैं और बिल्कुल पेवर चीज खिलाएंगे आपको, शुद्ध और पवित्र चीज खाके आपको हाजिरी भी फायदेमंद भी होगा, गोद की दाल भी मिलेगी, हर चीज मिलेगा फिर। तो संजय जी आपको ये दे रहे हैं तो प्लीज जाके जरूर खाएं, एक बार जरूर करें। आज हमारे जो चाय है वो भी हमारे पहाड़ का जो अदरक, हमारे जो पहाड़ का अदरक, पहाड़ में अदरक बहुत कम होता था लेकिन अब हमारे कई कृषक भाई पहाड़ में अदरक उगा रहे हैं, कृषि कर रहे हैं उसे, तो हमने वो पहल करी है कि हमने पहाड़ का अदरक ला के उसकी चाय और पहाड़ की चाय के साथ वहाँ का जो असामों के बगानों की जो चाय है, चाहे रेड लेबल हो चाहे टाटा चाय हो, उसके साथ हमने अपनी उत्तराखंड की चाय का फ्लेवर डाल के और पहाड़ का अदरक डाल के उस चाय का फ्लेवर बनाया। आप जरूर चाय को पीजिए। और हमारे पहाड़ के जो पकोड़े हैं, पहाड़ का पहाड़ी पालक और पहाड़ का आलू, उसको मिक्स करके हमने जो प्याज के साथ और उसके साथ हम मिक्स स्नैक्स बना के दे रहे हैं, वो भी बहुत ही लोगों को पसंद आ रहा है और लोग हमें अपना स्नेह प्यार आशीर्वाद दे रहे हैं। हम निरंतर कैंटीन में भी आगे बढ़ रहे हैं और हम यही आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग पहाड़ के कृषक को रोजगार के लिए जोड़ने के लिए हमारा सहयोग करें, हमें अपना आशीर्वाद दें और निरंतर हम लोग हमारे लोगों का प्रयास है कि हम अपनी जो लुप्त होती संस्कृति के महात्मा जी हैं हम कहीं ना कहीं जीवित रखने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें हम आपके सहयोग के बगैर वो नहीं हो सकता। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप हमारे पहाड़ी ग्राम से लें या अन्य किसी से भी लें, हम ये नहीं कहते कि पहाड़ी ग्राम से ही लीजिए, अन्य से भी लीजिए, किसी से भी लीजिए जो पहाड़ के लिए काम कर रहा है, एटलीस्ट हमारा पहाड़ जीवित इसीलिए रहेगा जब हम पहाड़ को बचाने के लिए जो हमारे गांव में जो रह गए हैं, हमारे वासी जो रह गए जो कृषि कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम उनको इस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं और कल्याण को हम एक जो क्वेश्चन मार्क है उस क्वेश्चन मार्क का हम यहाँ पर हल निकाल सकते हैं। हमारा प्रयास बाकी आप देख ही सकते हैं भाई साहब लोग कितना अच्छा प्रयास कर रहे हैं, रोजगार भी दे रहे हैं, साथ यहाँ बुलाए लेकिन उसके साथ बिजनेस पहाड़ वाले भी उसका फायदा उठा रहे हैं, तो वो अच्छी एक अच्छा प्रयास है। मैं चाहता हूँ ऐसे प्रयास सभी लोग करें और खाना जरूर खाए पहाड़ी का रात का। हमारा बेटा जो है उसके भी आप यूज ले, आप क्या बोल सकते हैं अभी, क्या मतलब कैसे आपको आइडिया कि ऐसी चीज़ खाना पहाड़ी रात का? जब हम उत्तराखंड में मिलता है वो आप दिल्ली ऐसे स्थान पे जहाँ भी जाएंगे, जहाँ कौतिक होता है वहाँ आपको मिलेगा, वो भी भाई साहब के माध्यम से जिन्होंने अपनी मतलब भारत देश की नौकरी छोड़कर दिल्ली ऐसे स्थान पे कर रहे हैं, सबके लिए प्रयास अच्छा किया जो पहाड़ी गिराज के माध्यम से कर रहे हैं। ये बहुत चलता है, इनको सपोर्ट करो, प्यार दो यार। मैं चाहता हूँ कि इनको जितना हो लोग यहाँ पहाड़ी घाट में जो भी उन्होंने बनाई चीज़ें खाएं और उसका आनंद लुत्फ उठाएं। तो थैंक यू सो मच आपका, बहुत वैभव जी आपको बहुत धन्यवाद, आपने हमें कम कर लिया और ऐसे ही आप इनके साथ इसका लुत्फ उठाएं, मजे लीजिए यार। पहाड़ी घाट एक अच्छा मौका दे रहा है आपको खाने मिलेगा जो उपाय में, तो यार इनके खाना खाए तो बहुत टेस्ट था, चलो चलते ज़्यादा बातें ना करते, थैंक यू। सारे लोग पब्लिक यहाँ पहुंची हुई है, बहुत बेहतरीन तरीके से जो माता बहने बैठे हैं यहाँ पर अच्छे तरीके से, और आज एक अच्छा एनवायरनमेंट बना रखा है यहाँ पर, और कुछ ट्रेडिशनल ड्रेसों में भी यहाँ खड़ी है और बहुत बेहतरीन तरीके से इन्होंने लिबास को मैनेज में ये कार्यकर्ता भी है और उन्हें यहाँ पर काफ़ी क्राउड नजर आ रही है, काफ़ी लोग यहाँ उपस्थित हैं और एक अच्छा माहौल बना पड़ा है। चलो दिखाते हैं किस प्रकार से यहाँ पर साइड भी चलते हैं, काफ़ी लोग यहाँ पर भी आए हुए और सारे क्षेत्रवासी यहाँ पहुँचे हैं, कुतुब विहार के लोग रहने वाले हैं, तो एक बार सबको अपडेट करें हम यहाँ पर, और जिस प्रकार से यहाँ पर किसी लोगों ने जो राधे राम का सीख कर रहे हैं सिंबल कर रहे हैं, इस प्रकार से सभी लोग यहाँ उपस्थित पहुँचे हैं। मैं चाहता हूँ कि आपको दिखाऊँ, ये पूरा क्राउड है यहाँ का कुतुब विहार का और नजफगढ़ के अंदर का, और काफ़ी बेहतरीन बेहतरीन लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अच्छा लगता है इस प्रकार से यहाँ पर सारी जो जनसंख्या है पहुँची हुई है और काफ़ी यहाँ प्रोग्राम बहुत बेहतरीन वाला है, और उत्तराखंड क्षेत्रवासी यहाँ पहुँचे हुए हैं ज़्यादा संख्या में। ये बस सब लोग हाई कर दीजिए, क्या बात है जी, ऐसे कर दीजिए सर, हेलो कर दीजिए, हेलो, हाँ बढ़िया गाइस, क्या बात है। तो सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं, मैं चाहता हूँ कि सबको दिखाऊं किस प्रकार से यहाँ पर एक एक जो लोग बंदे पहुँचे हैं और यहाँ पर चल रहा है प्रोग्राम जो बहुत बेहतरीन जो कुतुब विहार के अंदर है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, रूबरू कराते हैं, चलते हैं जो यहाँ के अनुभवी लोग हैं बड़े बड़े लोग उनसे ही बात कराते हैं, और कार्यकर्ता है लोग यहाँ पर घूमते नजर आ रहे हैं, तो यहाँ के अनुभवी लोग सारे यहाँ बैठे हैं जो कार्यकर्ता लोग हैं, कैसे थे सभी ठीक ठाक बढ़िया, यहाँ पर पहुँचे मैं चाहता हूँ कि आपको दिखाऊँ किस प्रकार से यहाँ रिपोर्ट कर रहे हैं, बेहतरीन माहौल बना पड़ा है, यहाँ से कार्यक्रम चलता जा रहा है, यहाँ पर बहुत ही विचित्र करने वाले यहाँ पर कार्यकर्ता भी है।
जाना चल रहा है, यहाँ पर पूरा प्रोग्राम कंप्लीट है, यहाँ कलेक्शन किया जा रहा है का डीआर किस प्रकार से यहाँ पर बैठे और आप देखिए किस प्रकार से यहाँ पूरी पब्लिक जो है हमारे जो लोग हैं उन्हीं पर ज़्यादा पसंद करते हैं। सारी यहाँ पर सही बातें की जाएगी किस प्रकार से ऊपर नीचे बैठे सर पड़े और यहाँ पर उपस्थित है सारे अनुभवी लोग हमारे जो आज यहाँ पर आकर इसका आनंद लेने वाले हैं और अच्छा लगता है इस प्रकार से सभी लोग आए और यहाँ पर और एक अच्छा एनवायरमेंट बना रहा है और माध्यम साहब देख रहे हैं यहाँ पर चला गीत प्रोग्राम चल रहा है तो कैसे बात करेंगे कुछ लोग यहाँ पर उपस्थित हैं जो यहाँ पर उन्होंने बोर्ड भी लगा है कि उत्तराखंड के कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर ठेकेदार है प्लॉट भी आपको मिल सकता है और यहाँ भी एक चीज़ें दिखाने को मिल रही है जिस तरह से आप यहाँ पर जाकर प्लॉट भी ले सकते हैं बहुत ही है और काफ़ी आनंद का एक माहौल बना पड़ा है यहाँ पर और इसी तरह से यहाँ पर अगर लोग यहाँ पर आए हुए हैं और कंट्री में कुछ छोटे छोटे बच्चे यहाँ इन्जॉय करते नजर आ रहे हैं छोटे छोटे बच्चे भागते दौड़ते हुए तो यहाँ पर एक क्षेत्रवासी का एक शिक्षा संबंधी बन रही है इस प्रकार से यहाँ कार्य और धीमे धीमे करके यहाँ पर जो प्रोग्राम की अपडेटी चलती आ रही है और ये कुतुब विहार के अंदर है सभी लोगों का यहाँ पर उत्साह नजर आ रहा है और आज इतनी सारी भीड़ नजर आ रही है यहाँ पर तो अभी पूछते हैं कुछ लोगों से बातें करते हैं। अच्छा जी कौन सा ग्रुप है आपका कुछ बताएंगे आपकी महिला ग्रुप कौन सा ये है क्या घड़ा चोर हो गया कौन सा है तो बताओ शौचालय की भी व्यवस्था है थोड़ा तेज बोलो लेडीज एंड जेंट्स अलग अलग है अरे यार ये पता नहीं कौन सा घड़ा चोरी हो गया बता रही कोई नहीं घड़ा सबको दे दूंगा अभी चोरी मत करो कोई अच्छा अब आएंगे अब बता रहे ये हाँ जी बताइए अरे घड़िया चौपला तभी मैं कहूँ धड़िया तभी मैं कहूँ घड़े को चोरी हो रहा है घड़ा चोरा नहीं हो रहा था यहाँ पर धड़िया चोरी है और एक अच्छा लग रहा है यहाँ पर जिस तरह से हमारी महिला है और भूमि लोग बैठी है बहुत अच्छा लग रहा है कुछ लोग हैं जिनके घुलों में पीड़ हो रहा है वो ऊपर बैठी है और बाकी लोग यहाँ पर बैठे तो एक बेहतरीन साल चल रहे हैं यहाँ पर लोग हैं यहाँ की पब्लिक के लिए थोड़ा सा थोड़ा दूर कर रखा है बहुत पास करीब नहीं कह रहे तो थोड़ा दूर नहीं है सबको यूके पहाड़ी ब्लॉक किस प्रकार से भीड़ है कितने क्राउड है और सारे लोग कार्यकर्ता भी यहाँ पे खड़े हैं क्या कुछ समझ में आ रहा है कैसे आप खड़े आज ग्रीन रूम के क्या आपको सीट नहीं मिली भी वॉलंटियर से सीट लीजिए बैठिएगा सीट आप कार्यकर्ता है क्या ये बच्चों को आप सीट मिल गई महिलाओं को सीट मिली हुई फिर भी लोग यहाँ पर बाहर खड़े खड़े होने का जो आनंद हमें उत्तराखंडी है ना तो खड़ों के ही ज्यादा आनंद लेते हैं तो देख रहे किस प्रकार से यहाँ पे काफी क्राउड है थोड़ा सा दूर जरूर यहाँ पे पब्लिक और जाते आ रहे हैं यहाँ पे इस प्रकार से मैं दिखा और बना पड़ा यहाँ पर और सकते हैं कैसे कैसे कार्यक्रम चल रहा है और यहाँ पर पूरा एक अच्छा बहुत अच्छा लगा रखा है पूरा ट्रेडिशनल पूरा आज हमारे भारत के झंडे भी यहाँ पे प्रसिद्ध है और चलते हैं बात करते हैं और बीच माता पन्नू भाई हमारे पन्नू का आ चुके हैं यहाँ पर तो चला देख रहे हो आगने बढ़ना और मैं बोली कि मैं पहली बोली चाहूँ कि हमारा समाज में हमारा पहाड़ में एक परंपरा चे जब कोई सुबह माँ भगवती नंदा को आह्वान करना भैर बाबा को आह्वान करना तो परंपरा हम ये मंच का माध्यम से निभाला और मुनि की वादियों में ऋषि मुनियों की तपो आगने बढ़ना थोड़ा इसको भाई इसको Oh,
सगुन, सगुन के बिना हमारा काम नहीं होता है। आज हमारा काम सगुन से हुआ है, तो आज हमारा दिन भी अच्छा जाएगा और सगुन हमारे बीच में आ जाए। सगुन कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है, ये तो मेरी अपनी कॉलोनी है। अरे वाह, अब तो हम सगुन की कॉलोनी आ गए हैं। अरे वाह, हमें मौका मिल गया सगुन के पास आने का। तो अभी मम्मी साथ में आई है, इधर आप भी आ जाइए साथ में। अकेले नहीं लेंगे ना, जब आप तो साथ में तो क्यों नहीं है। देखो तो जिसके साथ हो माँ का हाथ वो क्यों नहीं करेगा विकास है। तो कैसा लग रहा है सगुन आपको, आज क्या करने वाले हो आप यहाँ पे? पहले मैं अपनी परफॉर्मेंस करूंगी और फिर बाहर। अच्छा, खाने जाके पहाड़ी के हाथ खाना? हाँ, पहाड़ी। ये देखो हर किसी के जवान में पहाड़ी के हाथ का स्वाद है। तो आप भी कभी पहाड़ी के हाथ का खाना खाया आपने? अरे वाह भैया, पहाड़ी के हाथ वाले छाग है। अरे वाह, चकोर की। तो आज नया गाना होने वाला है, कुछ नया करने वाला? क्या करने वाला है? पूरा नहीं करने वाले, लेकिन धूम मचने वाली आज। आज यहाँ के वासी सब डांस करने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।